बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, हौसले बुलंद हैं, तो हम सब मिलके तालियों से बताएं नीरज जी को कि हौसले हमारे बुलंद हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब साथी बैठ जाएं। ये जो साथी खड़े हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि बैठ जाएं और सब साथी अपना चेहरा इस तरफ कर लें, उस तरफ नहीं भाई। अब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सो प्लीज टर्न योर फेसेस दिस वे। ओके, आमतौर पे जो प्रस्ताव में चर्चा होती है कि कोई एक व्यक्ति आके पूरा प्रस्ताव पढ़ देता है और दो तीन लोग उसके पक्ष में भाषण देते हैं, उसकी बजाय ये वाला तरीका बेहतर था, बेटर था, कुछ इन्वॉल्व हुए हम सब लोग। नहीं तो क्या है, रेजोल्यूशन हमारे झोले में चला जाता है, वो हमारे अंदर नहीं घुसता। तो अब थोड़ा सा तो अंदर घुसा होगा, तो अब इसके ऊपर हम मिलके भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय राकेश सिन्हा जी को इनवाइट करूंगा। राकेश जी हमारी जो पहले कार्यकारिणी थी उसके सदस्य रहे, स्थापना कार्यकारिणी के, और अब स्वराज अभियान का जो परामर्श मंडल है जिसकी घोषणा आनंद जी करेंगे किसी समय पे, उसके सदस्य हैं राकेश सिन्हा जी। मैं प्रशांत जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे, जो लोगों के कॉमेंट्स आएंगे, उसको अंत में समेटने के लिए प्रशांत जी भी कुछ बोले, लेकिन पहले हम सब बोलेंगे। तो हर ग्रुप की तरफ से जिन जिन लोगों को ऑथराइज किया गया बोलने के लिए, यानी कि हर ग्रुप से एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक से ज्यादा नहीं, वो लोग खड़े हो जाएं जिन्हें ग्रुप की तरफ से कहा गया बोलने को। एक, नहीं नहीं, खड़े रहें जिन लोगों को ऑथराइज किया है। एक ग्रुप से एक व्यक्ति, यस, आप बैठ जाएं, जो अथॉरिटी वाला है, जिसको आपने बोलना है, आपका स्पीकर है, उसको करें। एनएससी का मेंबर कोई, मतलब एनडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं। अब आप अपना अपना नंबर याद रखिएगा, आप नंबर एक हैं, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हाँ, आपके ग्रुप ने चुना होगा किसी को बोलने के लिए। अरे आपने इनको नंबर आप चुना है ना, ठीक है, तो ये बोलेंगे बस, ग्रुप ने अगर चुना है तो ठीक है, क्या इसमें बड़ी बात है सर। नंबर छह, नंबर सात, नंबर आठ, नौ, दस, ग्यारह, अपना नंबर याद रखना है, बारह, नहीं तेरह, आप तेरह हैं, चौदह, पंद्रह पीछे, सोलह, सत्रह, अठारह, अपना नंबर याद रखना, आप प्लीज अपना नंबर भूल मत जाना, अठारह, उन्नीस, आप उन्नीस हैं, उन्नीस हैं आप, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, नहीं आपका रेवाड़ी, चौबीस, पच्चीस आप, छब्बीस, सत्ताईस, 27, चलिए 27 ग्रुप तो नहीं थे पर 27 है, अब देखिए, और 28। अब देखिए आपके पास माइक आएगा जी, आपको दे दिया ना नंबर, बैठ जाइए, नंबर दे दिया आपको, बैठ जाओ। 27 लोग हैं, एक मिनट से फालतू नहीं बोलना, 28 हैं जी, तो अब बहुत थोड़े समय में बोलना है, पहले से सोच लीजिए, और आपको तीनों सवालों का जवाब नहीं देना है, सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। पहला जो सवाल है, जो क्या सवाल था, कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारा विचार, हमारी राजनीतिक सोच
दूसरी जो सोच है, स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, रीजनल पार्टीज, ये सब उनसे कैसे अलग है, उसका कोई एक बिंदु सिर्फ बताना है, और वो बताएंगे नंबर 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, ये लोग बताएंगे। तो नंबर 1 से शुरू हो जाएं, केवल एक पॉइंट, कोई भाषण नहीं करेगा, केवल एक पॉइंट बोलेंगे। जी नंबर 1, उसके बाद नंबर 4 की बारी है। जी हमारा सोच और कैसे हम अलग है दलों से, इसके बारे में और दो लाइन ही। हम जो पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो राजनीतिक विकल्प नहीं, वैकल्पिक राजनीति का की दिशा दृष्टि है, वो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें समतामूलक शाश्वत विकास ये हमारा मुख्य उद्दिष्ट है, और उसको साकार साध्य करने के लिए हम मानव का हित और पृथ्वी की रक्षा, उसकी हिफाजत, इसके लिए काम करेंगे, और इस दृष्टि से हम अन्य दलों से भिन्न होंगे, और विकास और वैश्वीकरण की हमारी भूमिका ये अमूल चूप रूप से भिन्न होगी, एक हम वैकल्पिक राजनीति की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, राजनीतिक विकल्प नहीं, वैकल्पिक राजनीति, विकास की एक अलग दिशा। नंबर 4 और उसके बाद नंबर 7 रेडी रहे, 2 नहीं, नंबर 4। जी नंबर 7 कहाँ है, वो हाथ खड़ा कर दे, उनके पास माइक अगली बार आएगा। जी हाँ, ये जो पहला सवाल है, ये प्रस्ताव बाकी पार्टियों से किस तरीके से अलग, केवल पहले का उत्तर देना है और केवल एक उत्तर देना है। तो बाकी पार्टियों में जहाँ हमें दिखाई देता है कि सामाजिक ताने बाने पे उनकी कोई समग्र सोच नहीं है, कहीं ना कहीं आंशिकता दिखाई देती है, वहाँ कहीं हमारा प्रस्ताव इसमें एक समग्र सोच का रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, बाकी पार्टियों का जब भी हिसाब किताब देखा जाता है तो वोटों का गणित उस पर आधारित होती है उनकी सारी की सारी सोच, न कि जनहित या वैकल्पिक नीतियों पे, जबकि हम इस पे जनहित से जुड़े हुए सवालों पे और वैकल्पिक नीतियों पे कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरा, बाकी पार्टियों की आर्थिक नीतियों में कोई स्पष्टता नहीं दिखाई देती, जबकि हमारे प्रस्ताव में कहीं ना कहीं आंतरिक जो हमारे संसाधन है उनका समुचित दोहन हो और हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करें, कृषि और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा ध्यान। बहुत बढ़िया, नंबर 7 पे जाएगा। आपने कहा सामाजिक न्याय पे समग्र दृष्टि है, केवल वोटों का हित नहीं, जनहित और आर्थिक मामलों पे हमारी एक वैकल्पिक दृष्टि है। जी, हमारे विचार एक नए दृष्टिकोण के द्योतक हैं और पीटे विचार कांग्रेस बीजेपी के फार्मूले से भिन्न हैं, जिनसे कि हम अलग चल रहे हैं, उनके वही घिसे पीटे विचार हैं, हम इनको नए रूप में व्यक्त करना चाहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, नंबर 10, घिसे पीटे विचारों से अलग, आगे भविष्य की दृष्टि, आगे देखेंगे, नए विचार पेश करेंगे। राजनीति का काम है दुनिया में नए विचार पैदा करना, नए विचार सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पैदा नहीं करते, नए विचार इस देश में राजनीति में पैदा होते हैं, राजनीति का काम है। जी, हमारे राजनीतिक प्रस्ताव के अनुसार हमारी सत्ता सिर्फ दिल्ली दरबार में केंद्रित नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक शक्ति संघीय सिद्धांत के सम्मान करेगी और अलग अलग राज्यों और इलाकों में काम कर रहे संगठनों आंदोलनों स्वायत्तता स्वीकार करेगी। राजनीतिक संगठन के भीतर संघीय ढांचा बनाना हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया है, जो बहुत ही अमूल्य राजनीतिक प्रस्ताव है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप शायद दूसरा प्रस्ताव देख रहे थे। जी, आप शायद वो वाला जो अभी बाद में आएगा, वो वाला प्रस्ताव से आप कोट कर रहे हो। जी, हमारी बहस हुई, एक हमारे सदस्य ने कहा कि हमारे और अन्य पार्टियों में ज्यादा कुछ
ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सब लोग स्वराज क्लेम करते हैं उसी तरह से हम भी क्लेम कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम ही आ रहा है, लेकिन उनको रिफ्यूट किया गया कि हमारे यहाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, हम स्वराज हैं, हम जिस तरह से आए हैं उस पर बेसिस बिल्कुल अलग है, ऐसा रिफ्यूट किया गया बाकी मेंबरों से, जितने लोग थे वो अकेले थे उन्होंने रिफ्यूट किया। और दूसरी बात, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के बारे में हमने लिखी थी, आखिरी में पॉइंट आता है, तो हम जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली क्या, कि एग्रीकल्चरल पॉलिसीज क्या अलग होंगी, तो हमको वो स्पष्टता नहीं मिली, वो राय थी। जो नीतियां क्या अलग होंगी उसका उत्तर आपको इसी राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं मिलेगा, उसका उत्तर आपको जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसमें मिलेगा। राजनीतिक प्रस्ताव का काम यह नहीं होता कि वो बताए कि अगले 50 साल की हमारी दृष्टि क्या है। राजनीतिक प्रस्ताव कहता है पिछले 6 महीने एक साल में क्या हुआ, अगले 6 महीने एक साल में हमें क्या करना है, वो बताता है। आपका सवाल वाजिब है लेकिन उसका उत्तर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में मिलेगा, जो हमारा स्वराज दर्शन करके हिंदी में है, इंग्लिश में है विजन स्वराज। आपका था नंबर 10, 13, नंबर 16 ना, 16, 16 जी,